दुर्गाना तुम मेल वाघा बॉर्डर के ऊपर छलांगे छलांगे मारते हैं, जब जोर लगाने का वक्त आया था तो यहां करो ना आप, वहां पे वाघा बॉर्डर के ऊपर छलांगे मार रहे हो, आप यहां करो आके बॉलिंग, आप यहां जोर लगाओ, आप यहां पे आके लेंथ बॉल करो, सारी की सारी शॉर्ट पिच डिलीवरी कर। कुत्ते की तरह इंग्लैंड ने मारा है, कुत्ते की तरह, यकीन करो जिस तरह आप किसी गली के कुत्ते को मारते हो ना, उस तरह इंग्लैंड ने पाकिस्तान टीम को आज मारा है। इतना बुरी तरह उसने उन्हें छक्के मार मार के ना भूसा बना दिया। अब ये टीम लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में तो भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो जायंट्स क्रिकेट के मिचेल स्टार्क हो गया, दांत तोड़ देंगे आपके। आपके ये जो सो कॉल्ड बॉलर है, जो मोटा रखा हुआ है आपने, इफ्तिखार रखा हुआ है, यकीन करेंगे माफिया मांगे वर्ल्ड कप से बाहर निकलेंगे। किस किस एंगल से आप खुदा का नाम है, आप जर्नलिस्ट हैं, बताएं, डिजर्व करते हैं, टीम के पास भी खड़ा होना डिजर्व करता है, आपने उसको कीपर रखा, रिजवान बाउंड्री पे खड़ा होकर बेचारा यू यू कर रहा है, यहाँ पे वो कैच छोड़ रहा है, तो कहाँ से आपने मैच जीता? इंग्लैंड की टीम है, कोई काने काशी की टीम तो। देखो ये चीजें करने तब अच्छी लगती हैं जब आप 6-7 आउट करते हैं, तो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो किस माइंडसेट से खेल रहा है। बाबर आजम 11 को इंग्लिश टीम से माजरत करनी चाहिए, उनसे सॉरी कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनके खिलाड़ी आईपीएल छोड़ के इधर आए कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, हमारी तैयारी बेहतर होगी। मगर इंग्लैंड के कोच ने कहा था 220 चेस कर रहे हो, ये होती है वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन, इंटेंट थी तो 15 ओवर में ठोक ठाक के बजा के तुम्हारा 16 ओवर के अंदर गेम खत्म होगा। छोड़ दियो, अपन बोला तू मेरी लैला, रेगुलेशन कैप्टन नहीं होते क्या? पहला शाहीन करेगा, दूसरा नसीम करेगा, तीसरा आमिर करेगा। हम यहाँ पे पहले भी मेरे 100 pounds ज्यादा हुए हैं, पूरे यूके हम घूम के आए हैं कि इस टीम की कोई वैल्यू तो हम देख सके, और आज आके शादाब खान ऐसे आउट हो रहे हैं, आजम खान ऐसे आउट हो रहे हैं, इट्स अ शेम यार कि हमारे क्रिकेटर्स इंटरनेशनल स्टार्स हैं। मैं पर्सनल किसी के साथ नहीं होना चाहता। यहाँ फैंस मायूसी के आलम में वापस जा रहे हैं, बुरे तरीन क्रिकेट दौर से गुजर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, इससे बुरा दौर कभी नहीं आ सकता है। हम लोग यहाँ पे 50,000 पाकिस्तानी, 50,000 हम पाकिस्तान में 50,000 भेजते ना, हमारा उर्स होता वहाँ पे, ठीक है, 50,000 हमने यहाँ पे लगाया और इन्होंने क्या किया है, ये कर क्या रहे? को निकालो अभी बाहर टीम से, और किसी भी ऐसे खिलाड़ी को टीम पकड़ा दो। देखे यार, जिस कप्तान के पास आमिर हो, शाहीन हो, नसीम हो, हारिस हो, अगर वो भी टीम को ना जितवा पाए तो यार किसी टोटल को भी दे दोगे ना टीम, तो शायद वो डरता हुआ नजर। दोस्तों लगता है कि पाकिस्तान की टीम हारने का ही रिकॉर्ड बनाना चाहती है। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खेलने गई थी पाकिस्तान की टीम, और इंग्लैंड ने घर बुला के ऐसा पुचकार के इनको पीटा है कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा इस बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए। 2-0 से इंग्लैंड ने ये सीरीज जीत ली है और पाकिस्तान बुरे तरीके से हार चुका है। पाकिस्तान में इस समय तौबा तौबा का माहौल बना हुआ है, और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो इस समय काफी खुश हैं, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस समय पाकिस्तान के प्रशंसक ट्रोल कर रहे हैं बुरी तरह। पाकिस्तान के खिलाड़ी तो ऑनलाइन आना ही बंद हो गए हैं हार के बाद से। ऐसे में जो पाकिस्तान के समर्थक इंग्लैंड में मैच देखने गए थे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने गए थे स्टेडियम में, उनका हाल देखो आप, हजारों लाखों रुपए लगा के पाकिस्तान के कुछ फैन पाकिस्तान से इंग्लैंड गए इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट करने के लिए, और वहां जाके देखते हैं कि बार बार इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को पूरे तरीके से हराया है। पाकिस्तान के बैट्समैन, उनकी बॉलिंग जिन्हें नंबर वन बॉलिंग कहा जाता है, ये नंबर वन बॉलिंग साबित हुई है और बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है इनकी बॉलिंग। बात करें फील्डिंग की, फील्डिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ी बार बार कैच ड्रॉप कर रहे हैं। बात करें कैप्टेंसी की, तो कप्तान ने जो कप्तानी की है, मतलब मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान के कप्तान को बनाना चाहिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड इतनी आसानी से 2-0 से ये सीरीज जीत पाया। और पाकिस्तान में इस समय यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान के वो खुदा का खौफ करो यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम लोगों को ना शर्म आती है ना हया आती है। दिस इज नॉट अ क्रिकेट एट ऑल, ये जोक है भाई, ये जोक है। उन्होंने आपको आज बताया है कि तुम लोग क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं हो, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग मॉडर्न डे क्रिकेट। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक सा दिन है आज, आपके लिए एक डरावना ख्वाब साबित होता है। जॉस बटलर, उसके यहां बच्चे की पैदाइश होती है, वो अपनी बीवी के पास वक्त गुजार के दोबारा आता है और आपको दोबारा मारता है। क्या कचरा उठा के ले आए हो, किस मुंह से T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे हम? पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस दुआएं मांग रहे थे, कि काश आज बारिश ना हो। वो लंदन का मेयर हमें गारंटियां दे रहा था कि बारिश नहीं होगी, और हमें साथ में ये भी बता रहा कि बारिश नहीं होगी लेकिन बेशर्मी जरूर होगी, और वो तुम लोगों की तरफ से होगी, और इंग्लैंड तुम्हें ऐसा लपेटा मारेगा, ऐसी तबीयत तुम्हारी दुरुस्त करेगा, ऐसी दुर्गत बनाएगा कि सारी दुनिया के अंदर मजाक बन जाओगे। हम तो अब घबराए हुए हैं कि पाकिस्तान की टीम शायद यूएसए से हार जाए, पाकिस्तान की टीम शायद जो है वो कनाडा से हार जाए, आयरलैंड से तो हम पहले हारे हुए हैं, इन दोनों से भी खतरा पड़ रहा है। इंडिया के साथ तो भाई आप लोगों का कोई मुकाबला है? कहां राजा भोग, कहां गंगू तेली, ये कंपटीशन है हमारा इंडिया के साथ। यकीन करो इस टीम का पिछले एक साल से हर एक ने बजाया पकड़ के, कुत्ते की तरह इंग्लैंड ने मारा है, कुत्ते की तरह। यकीन करो जिस तरह आप किसी गली के कुत्ते को मारते हो ना,
उस तरह इंग्लैंड ने पाकिस्तान टीम को आज मारा है, इतना बुरी तरह उसने उन्हें छक्के मार मार के ना भूसा बना दिया। ना उन्होंने कुछ बैटिंग में इनको करने दिया, ना उन्होंने कुछ बॉलिंग में इनको करने दिया। बॉलिंग में कुत्ते की तरह इनको मार पड़ी है। बटलर ने मार मार के इनकी, मैं कहता हूं, टट्टी निकाल दिया मेरे डोन किंग की। और विल जैक ने, भाईजान फिल शॉर्ट ने मार मार के भूसा निकाल दिया इनका, इनके छनकने बजा दिया पकड़ के। और बैटिंग में ये घंटे का किंग। हम हर मैच में ना 200 बनाएंगे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह गया, हम ना हर मैच में 200 बनाने की सोच रहे हैं, हम अब एक अलग टीम नजर आएंगे, आप मेरे छनकने पे बैठ जाओ और करो हा हा, छनकने पे बैठ जाओ मेरे, ये 200 मेरा छनकना करेंगे। 157 पे इंग्लैंड ने इनको ऑल आउट कर दिया। और भाई हम तो वो टीम है जो T20 में भी 20 ओवर नहीं खेल पाते, हम T20 में भी 20 ओवर नहीं खेल पा रहे, हम छनकना करेंगे यार वर्ल्ड कप में जाके, और 20 ओवर नहीं खेल पा रहे। 20 ओवर खेलना मेरे बहुत ही घंटे से भाईजान मुसीबत बना हुआ है। किधर गया मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, अमेरे 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 घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। दिल के अरमान जिस किबले और काबे और किस उस से ये ताल्लुक है ना इनका, आज इन्होंने दिखाया। मैं विकेट कीपर हूं, मुझे शर्म आ रही है, ऐसे मच्छर फाड़ रहा। अबे वो धरती के बोझ उस वक्त तो बड़े नोटों से पसीने और पिछवाड़े साफ कर रहा था, आज अपने आप को बेगारत हो। अगर इनमें कोई हया है पाकिस्तान के टीम के करता धरतों में, तो इसको तो भेजो ना घर, ओ कोई हया करो, ओ कोई बेशर्मो। और ये एक मरीज है, इस मरीज को टीम में डाला ना ये फील्डिंग, ऐसे ऐसे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं है, ऐसे खुदा की कसम थंबनेल में डाला मैंने, वही फोटो डाली है पिछले वीडियो की। दे जा सखिया राहे खुदा, तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा, ये हाथी का अंडा, ये मोइन खान ने जो धरती का बोझ पैदा किया, जो हमें चेस में एक से एक बढ़ा। वो देखे बग्गा जी ने लगातार दो छक्के, भागते हुआ स्पिनर, उड़ता हुआ स्पिनर। इस तरह की शर्मिंदगी से तो बेहतर था बारिश के पानी में डूब मरते, किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाने की। और वन साइडेड मैच, ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग, कीपिंग में कैच छोड़ रहा है वो, ऐसे ऐसे करके कैच पकड़ रहा है, बैटिंग में कुछ नहीं। भाई बाउंसर से तुम्हें, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। बहुत ही अच्छा वेलकम किया इंग्लैंड ने इनका, और सीरीज भी अपने नाम की, और बेइज्जत करने वाला हराया 27 गेंदे पहले, वन साइडेड एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड देम। चूड़ियों का एक भेज रहा हूं, इनको चूड़ियां पेश करें कि बेटा ये मर्दों वाला काम तुमसे नहीं होगा, चूड़ियां चूड़ियां पहनो को हमसे नहीं होता ये। और था टिक टिक था, टिक टिक था, ये आपने किनर्स की टीम बनाई है, और जिन्होंने बनाई है वो सबसे बड़े किनर्स हैं, बेशरम है, बेहया है, जिन्होंने ये जिल्लत का तौब हमारे गलों में। 86 पे आपकी आधी टीम लेट जाती है, 100 पे आपकी आधे से ज्यादा टीम लेट जाती है, ये लेटाने वाले काम कहां से सीखे हैं, ये कौन से वाली क्रिकेट खेलते हो, ये कहां पे लेट जाते हो। टीम इंग्लैंड से इतना बुरी तरह कैसे हार सकती है। बात करें पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, तो रिजवान ने जो है 16 बॉल पे 23 रन बनाई है, बाबर आजम ने जो की कप्तान भी थे ये 22 गेंदों पे 36 रन बना के आउट हो गए। उस्मान खान की बात करें 21 गेंदों पे 38 रन बना के ये खिलाड़ी आउट हो गया। कोई भी खिलाड़ी यहाँ 40 भी टच नहीं कर पाया है। बात करें फकर जमान की, 9 गेंदों पे 9 रन, शादाब खान 0 रन, आजम खान फिर से 0, इफ्तिकार अहमद 18 बॉल पे 21 रन, शाहीन अफरीदी 0, नसीम शाह 18 गेंदों पे 16 रन, हारिस रौफ 7 गेंदों पे 8 रन। और टोटल बात करें तो 157 रन बना के 19.5 ओवर, यानी कि पूरे के पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाए ये खिलाड़ी। और अंग्रेज मुझे लगता है कि कातिलाना उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरीके से इनको घेर के आउट किया है शानदार है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी उम्मीद थी इनसे, कम से कम बाबर आजम से तो मुझे उम्मीद थी कि ये बंदा और कुछ नहीं तो अपने चक्कर में कम से कम 50 तो बना ही देगा, लेकिन यहाँ भी 36 पे आउट कर दिया गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की टीम को मुंह उठाने का भी मौका नहीं दिया, इनको 157 रन पे बिना 20 ओवर पूरे हुए समेट के वापस भेज दिया गया है। मार्क वुड ने यहाँ 2 विकेट लिए हैं, इसके अलावा आदिल रशीद ने भी 2 विकेट लिए हैं, और उसके बाद लिविंगस्टोन ने भी 2 विकेट लिए हैं। मोइन अली,
क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर ने एक एक विकेट ली है। कुल मिला के अंग्रेजों ने, मतलब विकेट के लिए मैं कहूंगा, इन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं, इन्होंने मिल बांट के अच्छे तरीके से पाकिस्तान को निपटा दिया है 157 रनों पे, जिसकी कि पाकिस्तान को या कहें कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और फिल साल्ट की बात करें, अंग्रेजों में जो बैटिंग की है, फिल साल्ट ने 45 रन बना दिए 24 गेंदों पे, जोस बटलर 21 गेंदों पे 39 रन, विल जैक्स 18 गेंदों पे 20 रन, जॉनी बैरिस्टो 16 गेंदों पे 28 रन और हैरी ब्रुक 14 पे 17। और बैरिस्टो और ब्रुक तो नोट आउट हैं, मात्र 3 विकेट गवा के इंग्लिश टीम ने 158 रन चेज कर लिए। ये इनके 157 जो थे ये चेज कर लिए और 15.3 ओवर में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम इन्होंने निपटा के और पाकिस्तान को जो है आईना दिखा दिया है T20 वर्ल्ड कप से पहले। अब पाकिस्तान में इस समय चिंता का विषय बना हुआ है कि अभी वर्ल्ड कप सर के ऊपर आ चुका है बिल्कुल, और अब कैसे पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में भेजा जाएगा जब इनकी तैयारी है ही नहीं। तो ऐसे में एक टीम जो कि हार के बाद हार लेके जा रही है और वो वर्ल्ड कप में अभी जाएगी, इंग्लैंड से हारने के बाद अभी वर्ल्ड कप में जाएगी, तो सोच लो उससे क्या ही उम्मीद करेंगे पाकिस्तान के खिलाड़ी। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो ये जो तीनों विकेट हैं ये हारिस रौफ ने लिए हैं, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल मैं कहूंगा, एक ही खिलाड़ी तीनों विकेट ले ले। शाहीन अफरीदी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए, नसीम शाह भी कुछ नहीं कर पाए, आमिर भी कुछ नहीं कर पाए और शादाब खान भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, जो हारिस रौफ से अलग मैं कहूँ किसी खिलाड़ी की, तो वो पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। शाहीन अफरीदी का शायद अंग्रेजों ने कुछ तोड़ निकाल लिया है जिसकी वजह से ये इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, नसीम शाह भी कुछ भी नहीं कर पाए। और ऐसे में इंग्लिश टीम ने जो सदमा पाकिस्तान को दिया है इस समय, उससे उबरने में पाकिस्तान को समय लगेगा और वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आ चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके साथ साथ पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए भी ये एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा कि आपकी टीम हार के, इतने बुरे तरीके से हार के चारों टेबल पे और फिर ये वर्ल्ड कप में जा रही है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है इनसे। ऐसे में ये जो हार हुई है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ही तो दुखी है ही, साथ में इनके जो कई मित्र हैं उन्हें भी थोड़ी सी चिंता हो गई है, या फिर जो मजे लेने वाले हैं पाकिस्तानियों के, वो इसमें काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।